मेष, आज आप में भावुकता काफी रहेगी। इस कारण किसी बात या व्यवहार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। अचल संपत्ति संबंधी चर्चा को टाले। वृषभ, आपकी चिंताएं कम होने से आप काफी राहत का अनुभव करेंगे। आज आप काफी भावुक और संवेदनशील रहेंगे। इससे आपकी कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति उभर कर सामने आएगी। वित्तीय मामलों पर ध्यान देंगे। मिथुन, शुरुआती परेशानी के बाद आपके निर्धारित काम आसानी से पूरे होंगे। इससे आपको काफी प्रसन्नता होगी। आर्थिक योजनाओं के कारण आपकी कई परेशानियां कम होती लगेंगी। कर्क, आपके दोस्तों, परिजनों तथा परिवार के साथ आपका दिन काफी बेहतर रहेगा। उनकी ओर से मिले उपहार आपके हर्ष को दोगुना कर देंगे। बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा, स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा। सिंह, आज आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना हितकर रहेगा। मन में बेचैनी रहेगी, विभिन्न चिंताएं सताएंगी, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आप काफी भावुक रहेंगे। कन्या, आज आपको विविध क्षेत्रों में यश, कीर्ति और लाभ मिलेगा। धन की बेहतर आवक होगी। बुजुर्गों तथा मित्रों के साथ आपका दिन आनंदमय रहेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। तुला, आज आपके घर और कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण रहने से काफी प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति का योग है। काम में उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। वृश्चिक, आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थकान और आलस्य का अनुभव करेंगे, जिससे उत्साह की कमी रहेगी। इसका प्रभाव व्यावसायिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इससे परेशानी हो सकती है। धनु, आज आपको कोई भी नया काम शुरू ना करने तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कफ तथा पेट संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शल्यक्रिया जैसे बड़े मामलों को आज टाल दें। मकर, आज का दिन पैसों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार वृद्धि के योग हैं। इसके अलावा दलाली, ब्याज, कमीशन से मिलने वाले पैसों से धन में वृद्धि होगी। सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान एवं वाहन सुख प्राप्त होगा। कुंभ, काम में सफलता पाने के लिए आज का दिन उत्तम है। आपके द्वारा किए गए काम से आपको यश और कीर्ति मिलेगी। परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार आएगा। मीन, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होने वाला है। उनको अभ्यास में सफलता मिलेगी एवं प्रगति के लिए नए मौके मिलेंगे। आप अपनी कल्पना शक्ति से साहित्य लेखन में नया काम कर सकते हैं।